today I will after revolution of France 1789 आपको ये पता है बच्चे on which date Louis 16 he ordered to abolish feudal system important date that is 4th August 1789 king abolished feudal system king ne kya kiya feudal system ko abolish kar diya privileges by birth unko khatam kar diya and taxes jo the tithe and tithe unko khatam kar diya और खुद सोचो कि 4th August 1789 एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर जिसको डेक्री भी कहते हैं डेक्री का मतलब होता है ऑर्डर पास बाय किंग टू एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम एंड एस्टेट सिस्टम यानी कि सोसाइटी पुरानी सोसाइटी को खत्म कर दिया एस्टेट सिस्टम को खत्म कर दिया एंड इसके बाद उसने नेशनल असेंबली को परमिशन दी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की एंड How many years it took to frame constitution? 3 years. And in which year constitution was passed? 1791. Clear? यहाँ तक clear है? ठीक है? अब इसके बाद आगे हम करेंगे कि 1791 का जो constitution था, इसके क्या features थे? According to this constitution, citizens were divided into how many parts? Active. एक्टिव सिटीजन को कहा गया जिनकी एज 25 इयर्स और ऑल मेन नॉट वुमेन जिनकी एज 25 इयर्स से ज्यादा थी ऑल मेन और वो क्या देते थे टैक्स पे करते थे पैसिव सिटीजंस किनको कहा गया बिलो द एज ऑफ 25 सारे मेन जिनकी एज 25 से कम होगी एंड ऑल द वुमेन ठीक है इवन बच्चे भी पैसिव सिटीजंस डिक्लेयर कर दिया जो टैक्स नहीं पे करते अब वोटिंग राइट किनको दिया गया एक्टिव सिटीजंस ये एक्टिव सिटीजंस क्या डायरेक्ट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को चुन सकते थे नो ये आगे किसको वोट करते थे किसको वोट करते थे जैसे हमारी कंट्री में हम लोग सीधा एमपी को चुन सकते हैं ना ये लोग सीधा या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस कंट्री में नहीं चुन सकते थे एक्टिव सिटीजंस विल वोट फॉर इलेक्टर्स एंड इलेक्टर्स कुड वोट फॉर मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली जो क्या बनी पार्लियामेंट जिसको लेजिस्लेटिव भी कहा गया लेजिस्लेचर भी कहा गया इतना याद रखो इस नए कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एक्टिव और पैसिव वोटिंग राइट्स सिर्फ किसको दिए गए वोटिंग राइट्स वर गिवन टू एक्टिव ठीक है एंड एक्टिव जो थे एक्टिव मेंबर्स जो थे किसको इलेक्ट करते थे इलेक्टर्स इलेक्टर्स आगे किसको इलेक्ट करते थे मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली और जब कंट्री में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे How many members were elected? 745. अब इस constitution में एक problem थी। आप देखने से पता लगता है कि ये जो था constitution किनको favour करता था? Rich people. Elector जो होते थे society में rich people होते थे। अब वो state system खत्म कर दिया। कोई person third से नहीं है, कोई second से नहीं है, कोई first से नहीं। Country में नया system होगा। Citizens को दो part में divide कर दिया गया। एक्टिव किसको वोट करेंगे इलेक्टर्स को लेकिन ऑब्वियसली जो टैक्स पे करेगा ठीक है वो किनको फेवर करेगा जो सोसाइटी के कौन है रिच पर्संस तो इलेक्टर्स ऑटोमेटिकली वही होंगे जो और ज्यादा टैक्स पे करते हो और आगे इलेक्टर्स किनको चुनेंगे मेंबर्स को ऐसे मेंबर्स जो इनको सपोर्ट कर सके तो इसलिए कहीं ना कहीं इसमें दो मेन प्रॉब्लम थी एक तो ये वुमेन को इग्नोर कर दिया उन्होंने वुमेन वर नॉट गिवन राइट टू वोट एंड सेकंड इज राइट टू वोट स्पेशली वाज गिवन फॉर रिच पीपल जो टैक्स पे करते थे अब नेशनल असेंबली यानी कि जो पार्लियामेंट बनी इस पार्लियामेंट ये थी लेजिस्लेचर अगर ये लेजिस्लेचर थी तो एग्जेक्टिव कौन थे अगर ये आपको याद है स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा था कि गवर्नमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करो थ्री लेजिस्लेचर मिल गई
एग्जीक्यूटिव क्या था? एग्जीक्यूटिव था किंग एंड नोबल्स, यानी उनको भी खत्म भी किया फाइटिंग में, वो भी थे एग्जीक्यूटिव। किंग एंड नोबल्स क्या थे? एग्जीक्यूटिव। और एक और हाँ चेंज, हमारे कंट्री में हम जजेस को वोट नहीं कर सकते, बट एक्टिव सिटीजंस कैन वोट फॉर जजेस। इट मींस कंट्री में मॉन्टेस्क्यू का जो सिस्टम था उसको इंप्लीमेंट कर दिया, पावर्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बट स्टिल प्रॉब्लम, अभी भी प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये रिच लोगों को ज्यादा फेवर करता था। एंड सेकंड, और सेकंड प्रॉब्लम क्या थी, वुमेन वर नॉट इवन राइट टू वोट। हाँ जी प्रतीक्षा, कीप ए माइक ऑन। हाँ जी आस्क योर डाउट बेटा। मैम आपने कहा कि जो लोग थे वो जजेस को भी इलेक्ट करते थे, मतलब कि जो जजेस थे वो एजुकेशन के बेस पे नहीं बनते थे? एजुकेशन भी होती थी, बट एट दैट टाइम जजेस वर इलेक्टेड फ्रॉम एक्टिव सिटीजंस, उनको वोटिंग राइट के द्वारा इलेक्ट किया जाता था। हमारी कंट्री में जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। एजुकेशन तो मैटर करती थी, लेकिन ये भी मैटर करता था कि उनको एक्टिव सिटीजंस वोटिंग कर रहे हैं या नहीं। जो लोग जीत जाते थे वो आगे जजेस बन जाते। आप ये सोचो कि इस टाइम में जजेस भी नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स होते होंगे, उनमें से जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटिंग मिलता होगा, होती तो उनकी भी एजुकेशन होती ना। जजेस तो बिना एजुकेशन के भी जजमेंट नहीं दे पाएंगे, लॉ तो वो भी पढ़ते होंगे। इट इज क्लियर? क्लियर बेटा? यस मैम। आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। हाँ जी मैम, आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, कई वर्ड समझ नहीं आ रही। ओके नाउ इट इज ओके। ओके यस मैम। इसके बाद बच्चे, जब कंट्री में ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ऑटोमेटिकली किंग He was not happy at all. अब उसकी पावर्स क्या हो गई? डिवाइड। पहले सिर्फ किंग, उसके पास सारी पावर्स होती थी, अब पावर्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई, लेजिस्लेचर भी आ गई, जुडिशरी भी आ गई। सो वॉट ही डिड, ही मेड सीक्रेट प्लानिंग। उसने क्या किया, फ्रांस की नेबरिंग कंट्रीज के साथ सीक्रेट प्लानिंग की टू अटैक ऑन हिज ओन कंट्री। क्या कोई किंग ऐसा करेगा, अपनी ही कंट्री पे अटैक करवाया, क्योंकि ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि लोगों के डर के कारण उसको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए परमिशन तो देनी पड़ी, एस्टेट सिस्टम खत्म कर दिया, बट स्टिल ही वाज नॉट हैप्पी। सो दैट्स व्हाई उसने क्या किया, अलग अलग फॉरेन कंट्रीज के साथ, जो उसकी नेबरिंग कंट्रीज थी उनके साथ प्लान किया, एंड अटैक अपनी ही कंट्री पे अटैक करवाने का जो है उसने सीक्रेट नेगोशिएशन जो है वो प्लान करना शुरू कर दिया। जब नेशनल असेंबली के मेंबर्स को या लोगों को इसके बारे में पता लगा तो एक्टिव सिटीजंस जो थे उन्होंने इलेक्टर्स को प्रेशराइज किया, और इलेक्टर्स ने आगे मेंबर्स को प्रेशराइज किया कि किंग की इस एक्टिविटी को रोका जाए, और असेंबली में प्रपोजल पास किया जाए कि किंग अटैक करवाए उससे पहले ही हम नेबरिंग कंट्रीज में क्या कर दें, अटैक। तो ऐसे में क्या हुआ, 745 मेंबर्स ने मिलकर प्रपोजल पास किया टू डिक्लेयर अ वॉर, और इस तरह से फ्रांस में क्या डिक्लेयर हो गई, वॉर। जो कंट्रीज उस पर अटैक करने का प्लान, और आपको ये मतलब जो अगर जान के हैरानी होगी कि मेंबर जो थे उन्होंने प्रपोजल पास किया और किंग की जो है वो ली ही नहीं, यानी कि किंग की एडवाइस भी नहीं ली गई इस मैटर में। तो आप ये सोचो कि उस टाइम पर में लेजिस्लेटर जो है वो कितनी ज्यादा जो है वो पावरफुल होगी। और जब कंट्री को एक वॉर कंट्री डिक्लेयर कर दिया तो लुई 16 कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि पावर्स जो थी लॉ मेकिंग पावर्स किसके हाथ में थी, लेजिस्लेचर के हाथ। और ऐसे में कंट्री में जब वॉर डिक्लेयर हुई, फर्स्ट टाइम फ्रांस में नेशनलिज्म की फीलिंग आई, और बहुत से लोग जो थे वो पोएम्स या प्लेज या नेशनल लेवल की जो स्टोरीज होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज, और उस टाइम पर में लिखना शुरू हो गए थे, ताकि लोगों को, बाकी लोगों को भी पता लगे कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है। एंड व्हेन मेनी पीपल गॉट यूनाइटेड एंड एट दैट टाइम दे फॉट ब्रेवली, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज का जो वॉर थी, एक तरफ वॉर चल रही थी और दूसरी तरफ कंट्री के अंदर लोग अपने लिए जो है वो नेशनलिज्म की स्पिरिट जो है उसको प्रमोट कर रहे थे बाय राइटिंग पोएम्स, बाय राइटिंग नेशनल एंथम्स। इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नेशनल एंथम फेमस हुआ फ्रांस का, जिसको कहते हैं मार्सिलेज। मार्सिलेज क्या है, मार्सिलेज प्लेस का भी नाम है और नेशनल एंथम का भी नाम है। क्यों इसको मार्सिले कहा जाता है, सबसे पहले ये नेशनल एंथम कहाँ पे गाया गया, मार्सिले, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मार्सिले। किसने कंपोज किया इसको, रोगे डी आइसले। Who composed national anthem of France?
रोगे डी आइसले, स्टिल इट इज अ नेशनल एंथम, आज भी है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वॉर स्टार्ट होने के बाद लोगों के मन में मोनार्की किंग लुई 16 की जो रेपुटेशन थी वो बिल्कुल डाउन हो गई। इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कुछ लोगों ने मिलकर एक क्लब बनाया और इस क्लब, ये क्लब बहुत ज्यादा फेमस हुआ, इसको क्या बोलते हैं, जैकुडी। अब हम इस क्लब के बारे में पढ़ेंगे कि जैकोबिन जो, हाँ जी बच्चे बोलो, रोगे डी आइसले। सबसे पहले जैकोबिन क्लब का नाम बिल्डिंग सेंट जेकोब चर्च जो था, चर्च का नाम इनके नाम पे था, जैसे हम कहते हैं ना सेंट सोल्जर, ठीक है, सेंट एनीज, सेंट जैकब के नाम पे चर्च था। उस चर्च में एक हॉल था और उस हॉल में किंग लुई 16 को अपोज बहुत से लोग ऐसे थे जो इसको अपोज करते थे, ठीक है, और इन्होंने मिलकर अपना एक क्लब बनाया, उस क्लब का नाम क्या दिया, जैकोबिन क्लब। धीरे धीरे यही क्लब पार्टी बन गया। इस क्लब के लीडर कौन थे, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, कॉमन मैन थे, मतलब कॉमन मैन था जो जैकोबिन क्लब का मेंबर था। इसके मन में फीलिंग थी नेशनलिज्म की, ये लुई 16 को हटाना चाहते, बिकॉज ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड व्हाट वॉज हैपनिंग इन द सोसाइटी, कंट्री में क्या हो रहा था, हर तरफ वुमेन को राइट टू वोट तो नहीं था, लेकिन वो तो अलग बात है कि इसने भी इसको सपोर्ट नहीं किया। सेकेंड थिंग, ये मान रहे थे कि अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिच पीपल को ज्यादा फेवर करता है, इनके साथ इनजस्टिस होता है, क्योंकि जैकोबिन के स्पेशली मेंबर्स कौन थे, मिडिल क्लास में से लोअर सेक्शन। लोअर सेक्शन का मतलब क्या होता है, हमने बच्चे यहाँ पे लोअर कास्ट वर्ड नहीं लिखना, क्योंकि कास्ट वर्ड कभी फॉरेन कंट्री में यूज नहीं करते, कई बच्चे लोअर कास्ट लिख देते, लोअर कास्ट लिखना, लोअर सेक्शन लिखना। लोअर सेक्शंस में कौन, जो मैनुअल काम करते हैं, लोडिंग का काम करते हैं, जैसे डॉकयार्ड वर्कर्स कौन होते हैं, जो पोर्ट एरियाज में जो डॉकयार्ड होते हैं, शिप को लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है ना, उनको बोलते हैं डॉकयार्ड वर्कर्स, क्लियर। इसके अलावा पेस्ट्री मेकर्स, वॉच मेकर्स, शू मेकर्स, या फ्लावर सेलर्स, या जो मैनुअल काम करते हैं, इवन बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने जैकोबिन क्लब को ज्वाइन किया। व्हाई दे ज्वाइन दिस क्लब बिकॉज दे वॉन्टेड सम राइट्स, वो चाहते थे कि उनको भी क्या होना चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए एज कंपेयर टू रिच सेक्शंस इन द सोसाइटी। अभी भी स्टेट सिस्टम खत्म तो हो गया था, लेकिन सोसाइटी में अभी भी डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। सो इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मिलकर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने मिलकर जैकोबिन क्लब जो है इसको इतना ज्यादा फेमस कर लिया कि फ्रांस में लोग जो थे वो जैकोबिन क्लब के मेंबर जो हैं वो बनते जा रहे। और इसकी पॉपुलैरिटी क्या थी, ये एक स्पेशल जो है वो ड्रेस पहनते थे जिसको कहा जाता था सैंड क्यूलर्ट्स। सैंड क्यूलर्ट्स, क्यूलर्ट्स का मतलब ये भी होता है कि जैसे जो डॉकयार्ड वर्कर्स होते हैं ना, उनकी ड्रेस क्या होती है, स्ट्राइप ट्राउजर्स, मतलब ऐसी ड्रेस होती है, तो इन्होंने सेम वैसी ही ड्रेस जो है वो पहनी। इसका मतलब क्या होता है, दोज हु आर विदाउट नी ब्रीचेस। उस टाइम पीरियड में सोसाइटी में ब्रीचेस कौन पहनते थे, नॉबल्स। ब्रीचेस क्या होती हैं, आपने बच्चे ब्रिटेन के बैंड में देखा होगा, बैंड में जो लोग ड्रेस पहनते हैं ना, वो काइंड ऑफ, अगर आप देखोगे ना, वो लगेगी काइंड ऑफ स्कर्ट, चेक स्कर्ट, मतलब वो हाफ डिवाइडेड से हाफ पैंट होती है ना, उसको बोलते थे ब्रीचेस। तो इन्होंने अपने आप को फैशनेबल सोसाइटी से अलग दिखने के लिए स्ट्राइप ट्राउजर जो है वो पहनना शुरू कर दिया, एंड और क्या पहनते थे, रेड कैप, लिबर्टी, जो लिबर्टी का सिंबल शो करता। सैंड क्यूलर्ट्स का मतलब क्या होता है, दोज हु आर विदाउट नी ब्रीचेस, एंड
फिर क्या हुआ, जब जैकोबिन क्लब बहुत ज्यादा फेमस हुआ, इन्होंने क्या किया, ही मैक्सिमम रॉबेस्पियर एंड विद द क्लब मेंबर्स दे मेड अ प्लान टू पुट अटैक ऑन द पैलेस ऑफ ट्यूलरिस, यानी कि वर्साए पे नहीं, वर्साए पे अटैक नहीं किया, पैलेस ऑफ ट्यूलरिस, ये किंग का एक और पैलेस था। एंड व्हाट दे डिड, उन्होंने किंग और उसकी फैमिली को अरेस्ट कर लिया, उसको हॉस्टेज बना लिया गया, एंड कंट्री में नए इलेक्शंस, ठीक है, कंट्री में नए इलेक्शंस करवाए गए, और इन इलेक्शंस में जैकोबिन क्लब क्या बन गया, जैकोबिन पार्टी, एंड ही वन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, एंड उसके बाद फ्रांस में हमेशा के लिए मोनार्की सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब फ्रांस क्या बन गया, पहले फ्रांस क्या था, पहले मोनार्की था, फिर क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अब क्या बना, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर टेम्परेरी टाइम पीरियड, टेम्परेरी टाइम पीरियड। रिपब्लिक एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट होती है, इसका मतलब मैक्सिमम रॉबेस्पियर वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड ही वॉज द रिपब्लिकन हेड ऑफ द फ्रांस। अब कंट्री में क्या चेंजेस आए, पहले कंट्री क्या थी, मोनार्की, उसके बाद क्या बनी, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, नाउ मैक्सिमम रॉबेस्पियर के अंडर कंट्री में एक नई पार्लियामेंट, बच्चे जिसको पहले नेशनल असेंबली कहते थे ना, वो तो खत्म हो गई, कंट्री में नए इलेक्शंस करवाए गए, नए इलेक्शंस करवाए गए तो मेंबर्स भी नए होंगे, और अब इस पार्लियामेंट का नाम क्या था, जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की पार्लियामेंट थी उसका नाम क्या था, कन्वेंशन। व्हाट वाज कन्वेंशन, कन्वेंशन वाज द नेम ऑफ पार्लियामेंट अंडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने रूलर यानी कि रिपब्लिक बनते ही जो ऑर्डर पास किया, ऑन विच डेट, राइट डाउन, 21st September 1792 मोनार्की अबॉलिश एंड फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। मोनार्की सिस्टम अबॉलिश, कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अबॉलिश एंड फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। और इन्होंने क्या किया, लुई 16 और उसकी क्वीन जो थी मैरी एंटोनियो, उनको अरेस्ट किया गया था, उनके ऊपर कोर्ट केस चलाया गया, और उनके ऊपर कौन सा चार्ज लगाया गया, याद रखो, चार्ज ऑफ प्रिजन। प्रिजन का मतलब होता है देशद्रोह, चार्ज ऑफ प्रिजन, चार्ज ऑफ ट्रीजन का मतलब होता है जिसने अपने ही देश से गद्दारी की होती है। तो प्रॉपर केस चला लुई 16 के ऊपर एंड फाइनली ही वाज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है हैंग टिल डेथ इन फ्रंट ऑफ कॉमन पब्लिक। कौन सी डेट को, याद रखो, विच डेट, 21st January 1793, पूरा एक साल केस चला इसके ऊपर, 21st January 1793। क्या थी, क्यों ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट थी हिस्ट्री में, फ्रेंच हिस्ट्री में, बिकॉज ऑन दिस डेट लुई 16th वाज एग्जीक्यूटेड एट, प्लेस का नाम याद रखो, पेरिस में ये प्लेस है, प्लेस का नाम क्या है, डी लॉ कॉनकॉर्ड इन पेरिस। प्लेस का नेम क्या है, डी लॉ कॉनकॉर्ड, the place where Louis 16th was executed, on which date, 21st January 1793। and कुछ दिनों के बाद मैरी एंटोनियो के साथ भी सेम ही हुआ। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं कि क्वीन के साथ ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज उस टाइम पर में माना गया था कि किंग ने जो किया उसमें 50% जो है वो फॉल्ट किसका था, क्वीन का भी था, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद कंट्री में मैक्सिमम रॉबेस्पियर का जो टाइम पीरियड माना जाता है उसको क्या कहते हैं, लुई 16 की डेथ हो गई, मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया, अब कंट्री में जो नया रूल आया 1793 से लेकर 1794 तक ही सिर्फ एक साल रहा मैक्सिमम रॉबेस्पियर, और उसने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इतनी ज्यादा हार्श पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया
कि उसके रूल को क्या बोलते हैं, राइन ऑफ टेरर, राइन ऑफ टेरर कहते हैं। क्यों कहते हैं राइन ऑफ टेरर? क्योंकि इसके टाइम पर में एक डिवाइस बनाई गई थी, गिलोटिन। अकॉर्डिंग टू दिस डिवाइस पर्सन वॉज बिहेडेड अंडर अ ब्लेड। ठीक है, एक ब्लेड होता था, उस पर्सन का नेक जो है वो काट दिया जाता था अगर वो पर्सन किसी भी तरह से मैक्सिमम रॉबेस्पियर को अपोज करता, उसकी पार्टी को अपोज करते थे। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप ये सोचो कि जब लुई 16 के हाथ से पावर एक कॉमन पर्सन के हाथ में आई, मैक्सिमम रॉबेस्पियर के पास आई, तो उसने भी पावर्स को प्रॉपरली जो है वो यूज नहीं किया बल्कि मिसयूज किया, और उसके इस टाइम को क्या बोलते हैं, राइन ऑफ टेरर 1793 to 1794। गिलोटिन क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस पर्सन ने इस डिवाइस को बनाया था उसका नाम क्या था, डॉक्टर गिलोटिन। और आपको पता है बाद में मैक्सिमम रॉबेस्पियर को भी एंड में क्या दे दिया गया था, गिलोटिन। उसके साथ भी वही किया जो उसने बाकी लोगों के साथ किया। सो 1794 में इसको गिलोटिन दे दिया गया। अब हमने इन बिटवीन टाइम पीरियड पढ़ना कि 1793 टू 1794 में ऐसा क्या हुआ था कि उसके टाइम पीरियड को राइन ऑफ टेरर कहते हैं। जब भी मैंने किसी भी रूलर की पॉलिसीज आपको करवाई है ना, चाहे मैंने आपको करवाई है मैक्सिमम रॉबेस्पियर की, चाहे हमने डिस्कस की लेनिन की, चाहे करेंसकी की, चाहे स्टालिन, चाहे हिटलर, तो हमेशा हमने कुछ पॉजिटिव पढ़ा और कुछ नेगेटिव। तो इसमें भी ऐसे ही है, राइन ऑफ टेरर से थोड़ा सा पहले हम पढ़ेंगे व्हाट वाज पॉजिटिव, क्योंकि कॉमन था, कॉमन मैन था, तो उसने लोगों के लिए कुछ वेलफेयर भी पॉलिसीज भी अडॉप्ट की। तो सबसे पहले सम वेलफेयर मेजर्स अडॉप्टेड बाय मैक्सिमल एंड रॉबेस्पियर, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है उसकी पॉलिसीज क्या। सबसे पहले नंबर वन, ही पुट मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। ही पुट मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। उसने क्या किया, वेजेस और प्राइसेस को फिक्स कर दिया, यानी कि कोई भी पर्सन जो है गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए गए रेट से ना ज्यादा ना कम किसी भी चीज को बेच सकते। वेजेस भी उसने फिक्स कर दिए लेबर्स, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट किसी लेबर को एम्प्लॉय कर रहा है तो उसको जो वेजेस दिए जाएंगे वो वेजेस गवर्नमेंट फिक्स करेगी और उसको ना उसे कम ना उसे ज्यादा दिए जाएंगे। तो ऐसे में सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग थे जो मैक्सिमम रॉबेस्पियर के एंटी हो गए। वाई, क्यों हो गए, कौन एंटी हो गए होंगे, कौन उसके अगेंस्ट हो गए होंगे? जो पर्सन अपनी चीजों को हाई रेट पे बेचना चाहते हैं, जिनको ये लगता है कि गवर्नमेंट जो फिक्स कर रही है उससे इनको प्रॉफिट नहीं होगा, या फिर वो लोग वेजेस जो अपनी फैक्ट्रीज में काम देते होंगे अब उनको गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर गए वेजेस ही देने पड़ेंगे। तो एट दैट टाइम मेनी पीपल दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द मैक्सिमम रॉबेस्पियर बिकॉज नाउ दे वर कंपेल्ड टू डू हाई वेजेस एंड दे वर कंपेल्ड टू सेल द गुड्स इन द मार्केट द रेट फिक्स बाय द गवर्नमेंट। क्लियर? और उसने पॉजिटिव क्या किया, इक्वालिटी लाने के लिए उसने कौन सी ब्रेड को जो है वो खत्म कर दिया, बैन कर दिया, वाइट ब्रेड। उस टाइम पीरियड में ना ब्रेड भी दो तरह की आती थी, जैसे आज भी आती है ना, वाइट एंड होल वीट। आज के टाइम पीरियड तो स्पेशल हम ब्रेड वही खरीदते हैं होल वीट, लेकिन उस टाइम पीरियड में होल वीट ब्रेड जो थी वो पुअर पीपल जो है उनके लिए थी, वाइट ब्रेड जो थी वो नॉबल्स के लिए, रिच पीपल के लिए। तो इसने क्या किया, सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए व्हाइट ब्रेड को ही बैन कर दिया और इक्वालिटी लाने के लिए होल व्हीट ब्रेड जो है उसको इंट्रोड्यूस किया। थर्ड, जब हम किसी का नेम लेते हैं तो नेम के आगे पहले जब किसी नोबल का नाम लिया जाता था तो उससे पहले सर, और अगर उनकी वाइफ है तो उनके नाम के आगे मैडम लगाते थे। इसने उन वर्ड्स को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। उसने कहा कि आज से कोई भी पर्सन चाहे हायर है चाहे लोअर, नाम लेकर बुलाओगे, ऑल आर सिटीजन्स, किसी के नाम के आगे सर या मैडम जो है वो नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली उसने प्रोनंसिएशन में भी कुछ वर्ड्स में इक्वालिटी लाने के लिए बहुत से वर्ड्स को बोलने से फॉरबिडन का मतलब होता खत्म कर दी। देन इसके अलावा फार्मर्स, उसने फार्मर्स को इस चीज के लिए कन्विंस किया कि वो विलेज में नहीं बल्कि सिटीज में आकर अपना सामान जो है वो बेचें। ठीक है, लेकिन बहुत से फार्मर्स खुश भी हुए, बहुत से फार्मर्स दे वर नॉट सेटिस्फाइड। उनको ये लग रहा था कि वो अपना काम छोड़कर सिटीज में आकर बेचेंगे तो उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है। ये तो था सारा पॉजिटिव। नेगेटिव क्या किया उसने, नेगेटिव हम करेंगे नंबर वन। अब इसी को ही अपने नेगेटिव बता देना कि फार्मर्स वर नॉट सेटिस्फाइड विद द रॉबेस्पियर पॉलिसी,
बिकॉज नाउ दे वर कंपेल्ड टू कम इन द सिटीज एंड सेल द ग्रेन एट द प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. अगर वो उससे ज्यादा बेचना चाहते हैं, अगर उनको बायर्स मिल रहे हैं, बट दे कांट, क्योंकि उस टाइम पीरियड में प्राइसेस जो थे वो कौन फिक्स करता था? गवर्नमेंट. क्लियर? नेगेटिव और क्या बताना है? गिलोटिन. कोई भी हो, चाहे उसकी पार्टी का मेंबर ही क्यों ना हो, चाहे कंट्री में कोई भी पर्सन हो, ठीक है, अगर वो उसको अपोज करते थे, देन दे वर गिलोटिन विदाउट एनी ट्रायल. बिना किसी ट्रायल के उनको गिलोटिन कर दिया जाता था. इसका मतलब क्या है कि रॉबेस्पियर अपने अगेंस्ट किसी भी तरह से ऑपोजिशन टॉलरेट नहीं कर सकता था. देन थर्ड, वीमेन वर नॉट गिवन इक्वल राइट्स या राइट टू वर्क या वोटिंग राइट्स. तो उसके टाइम पीरियड में एक ओलंपे डी गॉल्स फेमस एक क्लब बना था, बहुत से क्लब बने वैसे वुमेन क्लब, लेकिन दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल. जितने भी वुमेन क्लब बने उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया. ओलंपे डी गॉल्स जो बहुत जो हम कहते हैं कि एक ब्रेव वुमेन थी, जिसने ये कहा कि वुमेन के लिए भी चार्टर होना चाहिए, नॉट फॉर द मैन, वुमेन के लिए भी चार्टर यानी कि राइट्स होने चाहिए. और उसके लिए उसको भी क्या कर दिया? शी वॉज गिलोटिन. ठीक है, तो ये भी एक तरह से नेगेटिव है, है ना. और ये कुछ नेगेटिव पॉलिसीज के कारण जो मैक्सिमम रॉबेस्पियर हैं, एक साल तक रूल कर पाए, लेकिन एक साल के अंदर उन्होंने अपना इतना टेरर स्प्रेड कर दिया था कि अल्टीमेटली लोग जो है ना, जिन्होंने लुई 16 को नहीं छोड़ा, उन्होंने रॉबेस्पियर को भी नहीं छोड़ा. अब आप खुद सोचो कि लोगों के हाथ में कितनी पावर होती. आपने ये पावर आपने रशियन रेवोल्यूशन में भी पढ़ी है, आपने हिटलर के टाइम में भी पढ़ी है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि लोगों ने क्या किया, रॉबेस्पियर जो है 1794 में रॉबेस्पियर के रूल का एंड हुआ, उसको भी गिलोटिन कर दिया गया. और उसके बाद 1794 के बाद कंट्री में अब लोगों का फेथ हर तरफ से उठ चुका था. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से भी उठ गया था, मोनार्की से भी उठ गया था, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की से. लोगों को ये लगता था कि जब पावर एक के हाथ में दे दी जाती है ना, तो वो उसका मिसयूज ही करता. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि पावर एक के हाथ में नहीं होगी, पावर्स विल बी, यानी कि कंट्री का अब एक रूलर नहीं होगा. कंट्री के कितने रूलर होंगे? कितने होंगे? 5. और इस रूल को क्या कहा गया? जो 5 रूलर्स होंगे उनको बना दिया गया 5 डायरेक्टर्स. और ये रूल कौन? डायरेक्टर से ही रूल क्या बन गया? डायरेक्टरी. तो अब मैक्सिमम रॉबेस्पियर के बाद कंट्री में जो नया रूल आया, इसको बोलते हैं डायरेक्टरी रूल. क्लियर? डायरेक्टरी रूल. इस डायरेक्टरी रूल में मेन कितने रूलर्स, कितने डायरेक्टर्स होते थे? 5. और ये डायरेक्टरी जो डायरेक्ट रूलर्स होते थे या डायरेक्टर्स थे, इनके बीच में भी लड़ाई झगड़ा होता रहता था. क्यों? अगर किसी कंट्री में 5 किंग होंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्या होगी? क्या प्रॉब्लम होगी? अगर मैं कहूंगी किसी कंट्री में 5 प्राइम मिनिस्टर हैं, 5 प्रेसिडेंट हैं, डिस्प्यूट्स होंगे, उनके बीच में यूनानिमस डिसीजन पास ही नहीं हो पाएंगे. ईगो प्रॉब्लम होगी, हर कोई कहेगा कि मैं यहाँ पर सुपीरियर हूँ, मेरी जो है बात मानी जाए. और उनके आपस में भी क्लैशेस या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती. तो 1794 के बाद 1804 तक कंट्री में डायरेक्टरी रूल रहा. इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? कंट्री के मिलिट्री कमांडर. ही टुक द एडवांटेज ऑफ बी कंडीशन ऑफ डायरेक्टरी एंड 1804 में उन्होंने क्या किया? आर्मी की हेल्प से ही डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ द कंट्री 1804. तो इन दिस वे हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस में 1789 से लेकर कितने अपहीवल्स हुए, गवर्नमेंट लगातार चेंज होती रही और लोग किसी भी गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं होते, चाहे मोनार्की है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की. उसके बाद रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई, फिर डायरेक्टरी आई, फिर कौन सा रूल आया? डिक्टेटरशिप. क्लियर? नेक्स्ट हम कल करेंगे डिक्टेटरशिप. हाँ जी बच्चे, एनी डाउट?